अंजुमित, क्या हाल है? अरे अभी तो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। लेटर आ गया तो नहीं, इतना डाउन सा क्यों फील कर रहे हो? क्या थके हुए हो क्या? क्या बात है? अभी भागना पड़ता है डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए, सबके लिए तो रहता है। अभी ऐसी हाल है अभी तो। भाई तुम्हें तो सबसे ज्यादा टाइम मिला है, तुम्हें तो जो भी तुम्हारे बैचमेट्स रहे उन सबसे सीख लेना चाहिए था पहले ही कि डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने हैं। सर, मैंने इतना सब कुछ कर रखा था, तब भी मुझे इतना भागना पड़ रहा है। तो उसके देखो बाद भी बहुत सारी चीजें थी। जबकि आपके तो फादर भी खुद बैग इसी बैकग्राउंड से हैं, है ना? यस चलो भाई कोई बात नहीं। तो भाई सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मित मेहता भाई साहब ने 95 रैंक स्कोर करी थी। थोड़ा सा टायर्ड आपको दिख ही रहा है। एक तो दो दो इसकी दो टायर्डनेस के रीजन है। एक तो लेटर इतना लेट आया बिकॉज नेवल अकेडमी वालों के लेटर लेट आते हैं, ठीक है। दूसरा भाई को डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भागना पड़ रहा है। चलो जो भी है मित, आज हम इसको बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। बच्चों को ओवरऑल मतलब मैं टू द पॉइंट ही बात करना चाहता हूँ। देखो अभी हो क्या गया है, 20 दिन बचे हैं। चलो अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 20 दिन बचे हैं, हो सकता है 2-4 दिन बाद जाएंगे, तो मोटा मोटा तुम ये मान लेना 15 से 20 दिन के बीच में बचा है। बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। तो आई वॉन्ट यू कि आप नॉर्मल उन मुद्दों पर बात करो कि भाई लास्ट मोमेंट पे आपने क्या करा था, ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस, मतलब फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। बट मेरा मतलब इस वीडियो का जो मेन पर्पज रहेगा, दैट पर्पज वुड बी इस लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस कैसे वो करा। पता है सीरीज तो माफ करना भाई, मैं विशाखापट्टनम आ नहीं पाया, वरना तो मेरा पूरा मूड था कि विशाखापट्टनम आके आपके साथ मैं शूट करूं, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, टू द पॉइंट पे ये बताओ कि अब लास्ट के 15 से 20 दिन में आपको क्या लगता है कि बच्चे को किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए? आपके साथ भी रहा होगा स्ट्रेस, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं रहा होगा। लास्ट मोमेंट पे आपने क्या करा? सर, रिटर्न के लिए हाँ जी, रिटर्न के लिए। सर, पहले तो वही मैं बोलूंगा कि जो मेरे लिए स्ट्रेटेजी है, जरूरी नहीं कि सबके लिए काम है। बिल्कुल तो एक चीज तो वो है। दूसरी चीज की सर, मैंने मेरा रिटर्न ना दूसरी बार में क्लियर हुआ था, पहली बार में नहीं हुआ था। फिर हाँ पहली बार आई वॉज वेरी क्लोज, बट मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया था। तो उसका रीजन मेरे को पता चल रहा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरे को आंसर्स पता थे लेकिन मैंने मार्क नहीं किए थे, कि ओके डाउट था कहीं ना कहीं कि नहीं हो पाएगा, क्या पता गलत हो जाए। नेगेटिव मार्किंग का भी डर था तो मैंने नहीं किए थे। तो इन ओवर टू ओवरकम दैट, तो मैंने ना मॉक टेस्ट दिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए मैंने, स्पेशली लास्ट के 10-15 दिन में। उससे क्या हुआ कि पहले तो पेपर पे हाथ बैठ गया कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कितना टाइम देना है एक क्वेश्चन को। नहीं आ रहा तो छोड़ना भी सीखना पड़ेगा, कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और फिर जैसे जैसे मॉक टेस्ट दिया सर, मार्क्स बढ़ रहे थे। मार्क्स बढ़ते बढ़ते एक दो टेस्ट में मैंने अच्छा स्कोर भी हिट किया था, 550 हिट किया था, 600 हिट किया था। तो उसके हिसाब से फिर और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो पेपर तो फिर केक वॉक है सर, फिर कुछ नहीं है उसके सही बात है, बहुत ही बेहतरीन। ये बाद। बच्चा आज के टाइम पे फेस कर ही रहा है कि मतलब ना वही, मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि आउट ऑफ कॉन्फिडेंस चीजें हो जाती हैं। एक चीज कितनी अच्छी करी मित को ये इसने पता करा कि कहाँ पे कमी है। एक्चुअली जहाँ कमी है वहां पे काम करा, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो हर बच्चे को अपने, अच्छा सबकी अलग है ये बात सही बोले। इन्होंने देखा यस भाई साहब मेरे साथ ये दिक्कत थी, तो उन्होंने उस चीज पे काम करा। और ये दिक्कत इनके साथ नहीं, बहुत बच्चों के साथ इस टाइम पे आ रही होगी, तो एक तो उसको टैकल करना सीख लो। जैसा इन्होंने बताया कि मॉक टेस्ट देखो, प्रैक्टिस कर लो। द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट को मतलब जितना एक्सप्लेन करूंगा ना उतना कम रहेगा, ठीक है। भाई ने गलती करके सीखी एक बार, आप जिसका पहला अटेम्प्ट है भाई बिना गलती करे सीख लो, जब सामने बंदा बैठा है बता रहा है तो आपको, राइट। सर, अच्छा भी है सर। एक एक ये भी चीज बताओ, जैसे भाई देखो सिलेबस तो पूरा नहीं होना है ना इसमें, तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाएगी। तो लास्ट टाइम पे जैसे बच्चा ये सोचता है सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सर एमसीक्यू करूं, सर ये करूं मैं वो करूं, तो क्या ये सबके साथ ही सेम हालत रहती है या क्या सिनेरियो, और कैसे आपने इस चीज को मैनेज करा? सर देख, अगर आपका एक रिटर्न फेल होता है तो उसके बाद आपका मूड भी नहीं करता है कि पढ़ूं नहीं पढ़ूं, तो थोड़ा मोरल मोरल डाउन हो जाता है। तो बिल्कुल जनरली क्या करते हैं हम लोग, एक दो हफ्ते नहीं पढ़ते, कुछ कुछ महीने महीने नहीं पढ़ते कि अभी थोड़ा मूड खराब है, ठीक नहीं होगा। तो फिर मैंने भी सेम किया था कि मैं भी नहीं पढ़ रहा था।
ऐसे 2 महीना हो गया, फिर अचानक से टीचर लोग भी बोलने लगे कि एक और बार ट्राई कर लो, क्या होता है, फेल ही तो हुआ है, मतलब अटेम्प्ट खत्म थोड़ी हुआ है। तो फिर वापस पढ़ने बैठे तो उस समय से 3 महीने ही बाकी थे। तो सर मैंने रियलाइज किया कि अगर फुल सिलेबस करना है तो 3 महीने भी काफी है, 6 महीने भी काफी है, 3 महीने भी काफी है, लेकिन अगर फुल सिलेबस 1 महीने में करना है तो वो तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 मंथ्स मैंने ट्राई किया फुल सिलेबस करने का। इनफैक्ट मैंने किया भी, एंशियंट तक किया, मेडिवल तक किया, लेकिन एंशियंट मेडिवल मैंने इतना ब्रीफ में नहीं किया, तो मतलब ऊपर ऊपर से कर लिया कि कुछ क्वेश्चन अगर मैंने कहीं पढ़ा हो तो मैं टिक कर दूं, ऐसा ना कि पूरा फ्रेश क्वेश्चन है, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या है। तो वही एडवाइस रहता है कि जो छूट गया ज्यादा भी नहीं छोड़ना है, मेजर टॉपिक्स जो होते हैं ना कि मैथ्स के 10-20 चैप्टर कर लो तो आपका 120 तो ऐसे ही पार हो जाता है स्कोर। और जीएटी में अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश आता है, इंग्लिश तो बहुत इजी होता है, एज पर मेरे हिसाब से तो बहुत इजी होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है, बेसिक जनरल नॉलेज पता है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप अकेले करके चले जाओ आपका जीएटी बहुत अच्छा जाता है। पॉलिटी पॉलिटी भी एक ऐसा है कि छोटा सा है, इसको कर लोगे इसके पे मार्क्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, सबसे बेस्ट पॉलिटी लगता है आपको, इतना छोटा सा है लेकिन मार्क्स भी इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। सारी मेरी बातें बोल रहे हो जो मैं नॉर्मली बोलता हूँ ना अपनी क्लासेस में बच्चों को, एज इट इज सिखाई सिखाई बातें बोल रहे हो। लेकिन भाई मित वो बंदा है जिनने जिसका फोन आया था, मैंने पूछा था मित कैसे करा था, तो मित्र ने बोला था सर आपका ना आखिरी महीने का एक क्रैश कोर्स आया था जिसमें आप एकदम से आपने वापस एंट्री मारी थी अकेडमी पे, वहां से करा था ना मित, यही मुझे याद है ना। यस सर, मैंने आप ही मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपकी क्लास देखी थी और मैंने अर्पित सर के मॉक टेस्ट दिए थे, और अपेरेंटली वो बहुत ज्यादा काम आया दोनों चीजें रिटर्न के लिए। और एट दी एंड अगर जो छूटता उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, अब छूट गया तो छूट गया, जो पता है उस पर ग्रिप कर लो और उसको ठीक कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो वही किया था। नहीं नहीं सही बात है, देखो बिल्कुल टू द पॉइंट ही मैं बातें पूछ रहा हूँ और मैं तो उसका टू द पॉइंट ही आंसर दे रहा है। इस मोमेंट पे मैं जो लास्ट मोमेंट पे भाई बहुत बिजी है, भाई की ज्वाइनिंग आ रखी है, मैं कुछ मिनट इसी वजह से मैंने स्पेसिफिकली निकाले हैं कि यार थोड़ा सा गाइडेंस कर दो बच्चों को कि क्या होना चाहिए, बिकॉज अच्छे रैंक भी स्कोर करी है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मिड सिंस इट वुड बी पार्ट ऑफ अवर फतेह सीरीज ऑनलाइन वाली चीज, तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड अगर बता पाओ तो, अगर बताओ कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा हां जी, और किसका? सर एज यू नो मेरे पापा फादर नेवी में, अभी रिसेंटली रिटायर हो गए जनवरी में एज ऑनरी सब लेफ्टिनेंट, एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ वेयर एज माय सिस्टर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, she works in a company, she used to, she has left now because apparently we are shifting from Visakhapatnam. अच्छा कहाँ जा रहे हैं? पापा retire हो गया ना, माँ पापा तो home town बिहार में भी settle होने का सोच रहे हैं, और मैं तो अजीमला चला जाऊँगा, और मेरा तो sorted है। Apart from that sir, family history में भी यही रहा है कि हर generation से एक आदमी तो कम से कम defense में जाना ही है, भले कोई भी हो जाता ही है। तो मेरे ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में थे एज सूबेदार थे वो, फिर वो 1962 की वॉर में भी थे एक्चुअली, एक्चुअली वो रिटायर होने वाले थे लेकिन जब वो वॉर पे गए तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो एक वो तो उसकी वजह से एक था कि चलो इतना कुछ है, हिस्टोरिक वैल्यू भी है फैमिली में तो अब तो करना ही है, तो एक वो चीज थी। और फिर एक्चुअली मेरे पापा थर्ड जनरेशन है, मतलब डिफेंस में हमारी फैमिली के, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं फोर्थ वाला हो जाऊंगा, दैट टू पहला मतलब एज एन ऑफिसर इन दी डिफेंस। ये बहुत प्राउड की बात है कि मतलब अच्छा पापा भी नेवी में, आप भी नेवी में जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एक पेरेंट के लिए इससे बड़ी प्राउड की बात हो ही नहीं सकती कि उनका बेटा उन्हीं की फील्ड में ऑफिसर बन के जाए, मतलब ये बहुत प्राउड मोमेंट होगी उनके लिए। आई कैन लिटरली फील दिस, बहुत मतलब बहुत प्राउड तुम पे फील, चाहे उतना बताते ना हो लेकिन मतलब मैं आप बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा प्राउड वो दिल में आपके लिए फील करते होगे ना, जिसको एक्सप्रेस कर पाना है बहुत मुश्किल है। सो दैट इज रियली वेरी 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 गुड भाई, आपने उस मुकाम को हासिल करा इतनी छोटी सी एज में करा, दैट इज ऑल्सो वेरी अप्रिशिएबल। मित ऐसा है
देखो सर्विसेज तो आपकी तो जनरेशंस दे रही है, मेरी ये रहेगा मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे कि देश भी याद करे, हाँ देयर इज दिस गाय जिसने देश के लिए ये चीजें करी। आई वॉन्ट इट फ्रॉम माई एवरी स्टूडेंट कि लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग मतलब बिगर टू दिस नेशन, राइट? एंड मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप वो चीजें करोगे भी, राइट? वो अच्छा सा अच्छे से उस चीज को करना है आपको, बिल्कुल कहीं भी कोई कसर ना छूट जाए। याद रहे एकेडमी जाके बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि वहां जाके जो जाओ कि चलो अब तो हम आ गए हैं। यू हैव टू बी द बेस्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है? तो आपके यस अंदर चीज में दिखती भी है, उस चीज को आपको करना भी है, मतलब नॉट ओनली कि मेरा नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का अपने जनरेशन का नाम रोशन करो, एंड दिमाग से काम लेते हुए हर चीज को बेस्ट से बेस्ट आपको देना ही देना है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पे कि यू विल डू इट, ठीक है? थैंक यू चलो ये हो गया है। और इसके अलावा अच्छा बाकी सब से कोऑर्डिनेशन में हो, और लेवल एकेडमी वाले बच्चे ग्रुप ग्रुप बन गया है आप लोगों का, है बच्चे जो जा रहे हैं? सर। वो तो बहुत पहले से बन जाता है, सब प्लान रेडी है अभी। मतलब मैं तो विशाखापट्टनम से होता सर, मेरा तो अलग ही कोर्स ऑफ रूट है। वैसे बहुत सारे लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो लोग साथ में आएंगे, कुछ लोग मुंबई से आ रहे हैं वो लोग साथ में आएंगे। अच्छी बात यह है कि सबकी रिपोर्टिंग डेट एक साथ एक है, हाँ क्योंकि छोटा बैच है ना ही ये। हाँ तारीख है। हाँ हाँ सबका एक साथ ही आ रहा होगा, सबको पक्की आए नेवी टेक तो वाले, यस सर, नेवी टेक वाले इंडिया वाले सबकी एक ही दिन सर, तो वो एक अच्छी बात है कि देखने को मिल जाएंगे पहले ही दिन पे, जान पहचान हो जाएगी। नहीं, बढ़िया है, मतलब बड़ी एक्साइटमेंट वाला सीन है। एक हफ्ता बचा हुआ है तुम्हारा घर पे प्लाईवुड से, कि इसको भी अच्छे से आप इंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम दो, इसके बाद तो 6 महीने बाद ही आओगे, ठीक अब तो 6 महीने भी मुश्किल लग रहा है सर, इतना लेट हो है? गया लेट हो तो। गया है, लेट हो गया, छुट्टी ना दे, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं। दिस इज वेरी प्रीशियस टाइम, आप इसको अच्छे से मतलब स्पेंड करो घर वालों के साथ। जो बातें आपने बोली है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स की मिथ की उन बातों का ध्यान रखो कि दिस इज द लास्ट टाइम आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के जो भी तरीके आपको वो सब चीजें करनी है, सब्जेक्ट वाइज भी मिथ ने बता दिया है कैसे क्या करना है। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बहुत ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ मित्र का, बिकॉज अगेन ही इज वेरी बिजी और अभी जाने की तैयारी भी करनी है, ठीक है? तो मित्र मैं एक तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपका थैंक यू बोलूंगा कि भैया आपने टाइम निकाला हो और ये गाइडेंस दे रहे हो। दूसरा मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, एंड खासतौर से पापा को जरूर मेंशन करना कि सुमित सर ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मतलब इट इज नॉट ओनली मिथ्स अचीवमेंट, राइट? ये अचीवमेंट फैमिली की है। जब एक बंदा ऑफिसर बनता है ना भारत देश, तो एक्चुअली उस घर का हर मेंबर ऑफिसर बन रहा है, ठीक है? तो जो मेहनत, जो डेडिकेशन, जो सेक्रीफाइसेस उनने उन्होंने करे हैं, तो आई वुड वॉन्ट कि आप हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें, और हमारी तरफ से भी उनको ढेर सारी बधाई। और जाओ तो नाम रोशन करो, बाकी जब भी छुट्टी में आओगे तो डेफिनेटली विल कनेक्ट, और दिल्ली आओ तो मिलेंगे, ठीक? यस सर, चलो भाई, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय।